दैनिक सवेरा, अंधेरे से उजाले की ओर। कुष्ठ रोगियों के लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी किसी वरदान से कम नहीं है। इससे जहां मरीज को उसके रोग से पूरी तरह मुक्ति मिलती है, वहीं वह पुनः अपना सामान्य जीवन जीने में समर्थ हो जाता है। इस सर्जरी को करवाने में अब सरकार की ओर से भी आर्थिक सहायता दी जा रही है। उक्त बातों का प्रगटावा लेप्रोसी अधिकारी डॉक्टर ज्योतिका कलसी ने किया। उन्होंने बताया कि बीते दिनों भी जलियांवाला बाग मेमोरियल सिविल अस्पताल में 16 के करीब कुष्ठ रोगियों को 5,000 रुपए की राशि दी गई थी। उन्होंने बताया कि उन सभी मरीजों का इलाज इसी सप्ताह रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के जरिए किया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए अमनदीप सिंह की रिपोर्ट। लास्ट ईयर असी 16 ऑपरेशन किए सी, ऐड की असी 15 किए हैं। 16वां पेशेंट तैयार हो रहा, 2 महीने तक उसकी सर्जरी भी हो जाएगी। उन्होंने एक अपलायंस लगाया जिदे करके थोड़ी जी फिंगर्स उदियाँ बैटर हो जाएंगी, तो उस तो बाद ऑपरेशन होएगा। उन्होंने यही देना चाहवागे भी अगर तो किसी को बीमारी नहीं हुई, अगर उन्होंने शरीर पर कुछ डाक का निशान है या सुनपन का निशान है, तो वह किसी भी सरकारी हस्पताल से छेती तो छेती पहुँच के चैकअप करान, इलाज शुरू करन, जिहड़ा 6 महीने तो साल तक का हो सकता है, जिदे नाल पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। पर अगर कोई ऐसा भी हैगा है जिदा कि उन्हों अपंगहीनता हो गई है ये करके बीमारी करके, तो वह भी आके अपना चैकअप कराए ताकि उन्होंने सर्जरी च एनरोल करके उन्होंने भी ठीक किया जा सके।